Hi, today we are going to learn how can we create 8 cross 1 multiplexer using 2 cross 1 multiplexer. तो 8 cross 1 multiplexer की क्या मीनिंग है कि 8 इनपुट होंगे और उसमें से कोई एक आप आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हैं. और तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितने होंगी, अगर आप देखें 8 इनपुट है, इट्स मीन 8 इक्वल टू 2 की पावर n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो सिलेक्शन लाइन होंगी 3. तो ये होगा S2, S1 और S0, ये LSB, ये MSB. तो 3 सिलेक्शन लाइन पे ये इन 8ों इनपुट में से कोई एक सेलेक्ट कर लेगा. और मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, 2 इनपुट्स में से 1 आउटपुट सेलेक्ट करता है, तो सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, सिर्फ एक. तो 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर आपको अचीव करना है यूजिंग 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर. 8 क्रॉस 1 की सिलेक्शन लाइन के बेस पे हमने इनपुट सेलेक्ट किया है. अगर आपका सिलेक्शन लाइन 000 है तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, I0, ऐसे 001 पे I1. तो टोटल कितने 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि 2 क्रॉस 1 में 2 इनपुट है 1 आउटपुट. मतलब अगर ऐसा होगा कि ये दोनों इनपुट हो और एक आउटपुट जनरेट हो, फिर ये दोनों इनपुट हो और एक आउटपुट जनरेट हो, ये दोनों इनपुट हो और एक आउटपुट जनरेट हो, तो मल्टीप्लेक्सर बना लेते हैं कि कितने 2 क्रॉसेस रिक्वायर्ड होंगे. तो 8 है, अगर हम डिवाइड बाय 2 मतलब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने आउटपुट होंगे, 4. जबकि हमारा जो क्या एम है वो है 1 आउटपुट का, तो फिर 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर को फिर 4 जो आउटपुट रहेगा उसको फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट 2. तो जो 2 अगेन 2 आउटपुट आया उसको 2 से डिवाइड करके 1 आउटपुट गेन कर लेंगे. तो अगर आपका फर्स्ट लेयर में 4 अगर आप मल्टीप्लेक्सर यूज कर लें 2 क्रॉस 1 का, तो आपको जो है 4 आउटपुट मिल जाएंगे. उस 4 आउटपुट को फिर आप 2 और मल्टीप्लेक्सर यूज कर लें तो आपको फिर जो है आउटपुट मिल जाएगा 2, और उसमें से फिर एक आउटपुट आ जाएगा. तो टोटल कितने 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड हुए, 4 + 2 + 1, इट इज 7. यहां पे हम डिजाइन कर लेते हैं, दैट इज 2:1 मल्टीप्लेक्सर विथ 1 सिलेक्शन लाइन, 2:1 मल्टीप्लेक्सर विथ 1 सिलेक्शन लाइन, ऐसे 2:1 2:1. तो इनपुट आपके क्या हो गए, I0 और I1, यहां पे I2 और I3, यहां पे I4 और I5, और यहां पे I6 और I7, ये टोटल इनपुट्स हैं. तो इसके करेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है. और क्योंकि यहां 4 आउटपुट जनरेट हैं हो रहे हैं, और हमें चाहिए क्या, कितना, एक आउटपुट चाहिए. तो अगेन जो आपका एक इनपुट आया है, इन दोनों से जो एज अ इनपुट वर्क करेंगे नेक्स्ट लेयर के 2:1 के लिए, तो इसको भी इसमें ऐड कर दें और एक आउटपुट आएगा, फिर एक 2:1 आप यूज कर लो, एक आउटपुट आएगा. तो अगेन आपके पास आउटपुट कितने हुए, 2, और इसको फाइनल आपको एक आउटपुट चाहिए, तो इसको एज ए इनपुट आप एक और मल्टीप्लेक्सर में ऐड कर सकते हैं 2:1, तो फाइनली आपको वाई मिल जाएगा. अब सेलेक्शन लाइन, क्योंकि सब में एक सेलेक्शन लाइन ऐड होनी है, यहां भी एक सेलेक्शन लाइन, यहां पे भी एक सेलेक्शन लाइन, तो टोटल 3 प्लेस पे सेलेक्शन लाइन ऐड होनी है. तो बट कौन सा S0 होगा, कौन सा S1 होगा, कौन सा S2 होगा, ये डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको Y को आउटपुट क्या लाना है, I0, तो I0 लाने के लिए आपके पास सेलेक्शन लाइन पे क्या होना चाहिए, 000. और I1 लाने के लिए आपको पास सिलेक्शन लाइन पे क्या होना चाहिए, 001. इट्स मीन जो यहां पे 0 और 1 होगा वो डिसाइड करेगा कि I0 और I1 में से कौन सा सेलेक्ट होना है. तो अगर आप इस सिलेक्शन लाइन में देखें तो 01 जो चेंजेस आ रहे हैं वो यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहां पे तो दोनों 0 पे I0 I1 ही सेलेक्ट हो रहा है, यहां पे भी दोनों 0 पे I0 I1 सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहां पे जब S0 की वैल्यू 0 हो रही है तो I0 सेलेक्ट हो रहा है, 1 हो रही है तो I1 सेलेक्ट हो रहा है. इट्स मीन इस वाले लेयर में
आपका इसी प्रकार से यहां 01 पे I2 I3 सेलेक्ट हो रहा है, मतलब यहां पे 01 की चेंजेस होने पे एक 22 के ग्रुप में आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। I0 I1 में एक सेलेक्ट होगा, I2 I3 में एक सेलेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये वाला लेयर किस सेलेक्शन लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, S0 को। ठीक है, तो S0 यहां भी होगा, S0 यहां भी होगा, S0 यहां भी होगा, क्योंकि जैसे I6 I7 में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो S0 ही है जिसका आपका वैल्यू चेंज हो रही है, उसी बेस पे I6 और I7 सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इस प्लेस पे क्योंकि ये इनपुट ले रहा है किसका, I0 से I3 तक का, तो I0 से I3 तक का में से इन में से एक I0 या I1 सेलेक्ट होना है, इसमें से I2 या I3 सेलेक्ट होना है। तो ये जो लेयर होगा ये किसकी होगा, आपका S1 के लिए, S1 सिलेक्शन लाइन के लिए, और आपका क्या बचा S2, तो ये S2 सिलेक्शन लाइन के लिए हो गया। अब हम एक आउटपुट जनरेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको I6 जनरेट करना है, तो I6 जनरेट करने के लिए S0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा I6, और अगर S0 0 हो गया, इन सब पे S0 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा I0, यहां पे आ जाएगा I2, ठीक है, यहां पे आ जाएगा I4। फिर जब ये I6 और I4 है तो S1 की वैल्यू I6 कब सेलेक्ट हो रही है, जब S1 की वैल्यू है 1 और I4 की वैल्यू 0 हो, जब 0 है तो I4 सेलेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब S1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो यहां पे भी 1 होगा, तो इसमें से क्या सेलेक्ट हो जाएगा I6, और जब ये 1 होगा तो I2 और I0 में से क्या सेलेक्ट होगा I2। ठीक है, अब S2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए I6 सेलेक्ट करने के लिए, दैट इज 1, तो अब यहां पे आपका आउटपुट क्या हो जाएगा I6, इट्स मीन सेलेक्शन लाइन क्या हो जाएगी 0 1 1 0 1 1, जिसमें ये LSB को शो कर रहा है, तो मतलब 1 1 0, जैसे 8x में 1 1 0 आ जाएगा, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा I6। तो इस तरीके से आपको टोटल 7 2x1 आप IC मल्टीप्लेक्सर की यूज करके 8x1 मल्टीप्लेक्सर अचीव कर सकते हैं। और मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है, बहुत सारे इनपुट में से कोई एक आउटपुट सेलेक्ट करता है ऑन द बेस ऑफ सेलेक्शन लाइन। थैंक यू।